मुझे एक आई थिंक 11th क्लास की एक लड़की थी जिसने स्नैपचैट पर मेरे को मैसेज करा हाँ और वो कहती कि हेलो सर आई वांट टू सी यू आई हैव रेड योर बुक ऑल आई एवर वांट टू सी यू एंड दिस 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 तो मैंने अच्छा उसको बोला कि यू कैन सी मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरी कई सारी फोटोज इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी. तो उसके बाद सी सेंडिंग अ फोटो टू समवन इज वेरी ऑकवर्ड, मतलब कैसे भेज सकता है कोई यार कि हाँ मैं ये लो मैं फोटो खींच के तुम्हें भेज देता हूँ, वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता है. तो हाँ मैंने उसको बोला कि इंस्टाग्राम पे देख यार, वो बोलती है नो आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम, आई जस्ट यूज स्नैपचैट. नाउ आई हैव अ प्रॉब्लम विद सेइंग नो, मैं नो नहीं बोल सकती. मैंने हाँ उसको एक काम किया, मैंने गूगल पे मेरी फोटोज जो पड़ी थी उनका लिंक कॉपी करके उसको पेस्ट कर दिया. फोटोज भेज नहीं सकता लेकिन हाँ ठीक है. और उस लड़के ने मेरे को रिस्पॉन्ड किया, यू आर नॉट एज स्मार्ट एज यू हैव डिस्क्राइब्ड योरसेल्फ इन द बुक. हेलो 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 क्या सभी का वेलकम है टू किताबे टॉक्स के फर्स्ट एपिसोड में। इस पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं बहुत सारी मस्ती और ज्ञान की प्राप्ति। आज जानेंगे हमारे गेस्ट की कुछ विचित्र घटना। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग रोमांटिक नॉवल के ऑथर निखिल राज। आज हम क्या डिस्कस करेंगे उनके स्कूल के बारे में, उनके करियर के बारे में, कैसे एक नॉवल बनाई जाती है, कैसे स्टोरी क्रिएट करते हैं, कैसे स्टोरी में करेक्टर डालते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और तो फिर चलो, फिर क्या वेट कर रहे हो, स्टार्ट करते हो। हाँ, so like tell me about yourself, like how you started your writing career and how you changed your career from the actuary director to a writer, romantic writer. Please tell me. I was always a writer first and then a director. मैंने start किया था as a writer. पहले मैं हॉस्टल में रहा हूँ बहुत सारा टाइम. मैं आई थिंक जब 11 साल का था उसके बाद से अभी तक बाहर ही रहा हूँ. so I have always been writing a lot of things. पहले स्कूल में लिखता था लोगों के लिए, दूसरों के लिए कहानियां, एप्लीकेशंस, पोएम्स, बहुत सारी चीजें. आफ्टर दैट आई गॉट इनटू फ्रीलांस राइटिंग. आई रोट अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स फॉर वेरियस क्लाइंट्स ऑनलाइन. बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जहाँ पे कि आप काम उठा सकते हो. तो आई यूज्ड टू डू दैट आफ्टर क्लास 10th. उसके बाद आर्टिकल की प्रिपरेशंस करी, हुआ नहीं, आई वाज नॉट गुड इन स्टडीज. फिर उसके बाद में एक मेरे अंदर वो था कि लॉन्ग फॉर्म राइटिंग ट्राई करती है, व्हिच इज राइटिंग बुक्स और राइटिंग बिग मूवीज एंड ऑल दैट. आई ट्राइड इट. मैंने सबसे पहली किताब लिखी विच वॉज नॉस्टैल्जिक. और नॉस्टैल्जिक को आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट नॉस्टैल्जिक, आई डिड नॉट पब्लिश इट एट दैट टाइम. मैंने फिर उसके बाद में दूसरी किताब लिखी विच वाज ऑल आई एवर वांट इज यू, विच करेंटली इज आई हैव पब्लिश इट. इट इज थैंक यू सो मच. इट वाज द सेकंड थिंग दैट आई हैव रिटन. नॉस्टैल्जिक इज एक्चुअली द फर्स्ट थिंग. और उस टाइम पे जब मेरे को किसी पब्लिशर ने अप्रोच करा था ऑल आई एवर वांट इज यू के लिए, तो मुझे लगा कि भाई मैं लिख सकता हूँ. अब मेरे को ये प्राउड मोमेंट हो चुका था कि मैं लिख सकता हूँ. फिर मैंने पापा को बोला कि पापा यार मैं देखो मेरे पास ऑफर है, अब मैं मेडिकल नहीं करूंगा, अब मैं अपने मन की करूंगा. होता है वो करो, उनको भी उनका भी हुआ है कि फ्यूचर अश्योर करना चाहते हैं. तो उन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन तो तेरे को करना पड़ेगा. देख हाँ ट्वेल्थ पास रह के मैं भी नहीं रहना चाहता, कल को बच्चों को बोलूंगा मैं ट्वेल्थ पास हूँ, अच्छा नहीं रहेगा. तो आई हैड टू डू ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम. तो मेरे पापा ने बोला कि अगर तू तो यही लिखना लिखना चाहता है तो मास कम्युनिकेशन कर ले, जर्नलिस्ट वगैरह बन जाए. मैंने बोला देखो यार मेरे से नहीं होगा कि मैं ऐसे माइक पकड़ के पत्रकारिता करते रहूँ. उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक थॉट था कि अगर मैं विजुअलाइज करके लिख सकता हूँ, अगर मेरे को टेक्निक्स पता हो कि किस टेक्निक से वो स्क्रीन टेक्स्ट टू स्क्रीन जाते हैं, स्क्रीन का अगर मेरे को प्रोसेस पता चल जाए तो आई कैन ऑल्सो डायरेक्ट अ मूवी. एंड दैट इज व्हेन आई केम टू अ फिल्म स्कूल. मैंने फिल्म स्कूल ज्वाइन करा और डायरेक्शन की पढ़ाई करनी शुरू की. दिस इज यस राइटर, देन कन्वर्टेड इनटू अ डायरेक्टर, then I converted into an author, and then currently I am looking after digital programming at a radio station. लाइक आपने ज्यादा जो जो नॉवल लिखी है वो जो अभी मेरे हाथ में है। सो अरे वाह, मैंने पाया जरूर रोमांटिक देश है, तो ये आपकी स्टोरीज कहाँ से आती है, मतलब कहीं से तो कोई यहाँ से इंस्पिरेशन लेके आती है, तो वो स्टोरीज कहाँ से आती है, लाइक ऑल ओवर हॉट में वहां पे लिखा है आपने, तो
It is a true story I have played. So, who can we get into you? See, All I Ever Want Is You एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है अगर मैं बताऊं उसमें All I Ever Want Is You के बारे में लोग मेरे से लोग आधी किताब पढ़ते हैं उसके बाद में मेरे पास मैसेज करते हैं कि Are you happy with your wife Alisha इस तरीके के मैसेजेस आते हैं can I have Alisha's picture get her ID मैं उनका जवाब नहीं दे पाता मैं मतलब क्या कैसे कैसे मतलब क्या बोलूं मैं तुम्हें तुम पूरी किताब पढ़ो उसके बाद में जो लोग पूरी किताब पढ़ने के बाद मैसेज करते हैं दे आर लाइक मुझे बहुत दुख होता है कितना दुख झेला है उनके लिए मुझे बुरा लगता है मैं रिलेट उनको मैं रिप्लाई करके बताता हूँ देखो दोस्त मैं जानता हूँ वो मेरे साथ नहीं है लेकिन जिंदा है तो स्टोरी में लड़की को मारने के पीछे का रीजन ये था कि शी इज नॉट लिविंग विद मी राइट मेरे लिए तो मेरी जिंदगी से खत्म हो चुका है जो भी था मेरी जिंदगी में जो भी उनका चैप्टर था जो भी लड़की थी उसका जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका तो अकॉर्डिंग टू दैट वो बुक वहां पे अगर खत्म करता है कि अगर वो लड़की छोड़ के चली जाती है तो आई थिंक आई थॉट कि काफी एक नेगेटिव एंडिंग हो जाती तो मैंने सोचा कि आई थिंक नेगेटिव एंडिंग करने से अच्छा है कि मेक इट समथिंग दैट यू नो इटर्नल लव वाली चीज आ जाए बिकॉज उसके पहले के जितने भी चैप्टर्स रहे हैं और एक्चुअल में जो भी चीजें रही हैं हमारे इट इज बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी हां वो स्टडी से इंटरेस्टिंग को बना रहा है कैसे कहा ढूंढ ले ये बेस है तो वो सारी चीजें काफी फुल भी थी आई स्टिल रिमेंबर फोर्थ चैप्टर में अगर वो अनास्क्ड क्वेश्चन है शायद जहाँ पे कि मेरी मॉम और मेरी मासी वहां पे होती है इट इज अ कंप्लीट फैमिली ड्रामा मैं जब भी मतलब ऐसे किताब का कवर देखता हूँ आई डू रिमेम्बर दैट सीन मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ वो सामने बैठी हुई है उसके पीछे मेरी मम्मी खड़ी है उनके साइड में मेरी मासी खड़ी है पूछना चाहता हूँ नंबर दे दे अपना कहाँ पढ़ती है तू बता दे कुछ मैं कुछ नहीं पूछ पाता उससे फैमिली प्रेशर सो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है यार ये मतलब राइटिंग द बुक पब्लिशिंग इट एंड देन द रिएक्शंस दे आर जस्ट फैसिनेटिंग टू मी तो फिर ये रोमांटिक मतलब जितने भी आपने अभी तो दोनों रोमांटिक के लिए भी दूसरी जो आप पसीद हो कोई और भी ले सकते हो इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है एवरी ऑथर बिफोर बीइंग एन ऑथर दे आर स्ट्रगलर्स स्ट्रगल के टाइम पे जब लोग कुछ कहते हैं ना तो कुछ अच्छी बातें लगती है ना वो हमेशा इंसान मन में बिठा लेते मैंने कुछ और दूसरी किताबें भी लिखी थी एक और किताब लिखी थी मैंने विच वॉज अबाउट ट्रेजेडी एंड समथिंग ट्रेजेडी बहुत ही स्लो पेस्ड एक अच्छा सा वो था तो वो मैंने एक लिटरेरी एजेंट को भेजा वन ऑफ द बिगेस्ट लिटरेरी एजेंट्स इन इंडिया एंड उन्होंने बोला कि मेल पे उन्होंने मेरे को बोला कि आई कांट टेक दिस फॉरवर्ड आई एम सॉरी फिर उसके बाद में मैंने उनको लिंक्डइन पे कांटेक्ट करा ढूंढा उनको मैसेज करा मतलब नॉर्मली ये करना नहीं चाहिए लेकिन मैंने उनको बहुत पोक करा दो मतलब पीछे पड़ जाते हैं करो करो मैंने वो करा फिर बेचारे उन्होंने मतलब ऐसे थक हार के उन्होंने रिप्लाई करा बोले देख भाई मैं मानता हूँ तूने अच्छा सा बहुत अच्छा लिखा हुआ है लेकिन तू एक बात बता मेरे को तू कौन है मैं निखिल राज हूँ और मैं 12th पास हो गया मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैंने क्यों पढ़ू मैं तेरी किताब मैं क्यों मानू कि तूने इतने सेंसिटिव टॉपिक पे लिखा है इट वॉज समथिंग अबाउट कश्मीर एंड इट वॉज समथिंग अबाउट कनेक्टिंग विद बिहार एंड जर्नलिज्म बहुत मतलब कुछ मेरे को भी याद नहीं है कम्प्लीटली क्या है इन द फ्यूचर शायद मैं रिलीज करूँ तो रिसेंट की थोड़ी तो क्रेडिबिलिटी लेके आ अपने अंदर अगर कोई जर्नलिस्ट होता तो मैं सोचता कि हाँ भाई चलो इसके पास वो एक्सपीरियंस है तूने पूरा पूरा फिक्शन डाल दिया अपनी मनगढ़ंत कहानियां डाली हुई है चल ठीक है नहीं पता मेरे को कितना सच है कितना नहीं है कितना रिलेटेबल है क्या नहीं है बट यू आर नथिंग एट दैट एंड पीपल लाइक यू हमारे 12th क्लास पास जो है एवरेज लड़का इंडिया में क्या करता है और वो लोग क्या देखते हैं क्या पढ़ते हैं रोमांस पढ़ते हैं मैंने फिर बोला ठीक है उन्होंने बोला कि रोमांस लिख लाइट हार्टेड रोमांस लिख और इस तरीके से लिख के लोगों को लगे कि हाँ ये रोमांस ऐसे होता है शाहरुख खान का भक्त मैंने बोला देखो मेरे से अच्छी कहानी है भी मैं देखने में सोचूंगा मैंने खुद की कहानी लिखी वो
आपकी जो पहली नॉलेज थी वो मतलब दूसरी वर्जन में आने वाला है नॉट दिस यू तो वो सक्सेसफुल होने मतलब नॉट सेंसेस में आया सब सक्सेसफुल हो गई तो वो क्या क्या आपको क्या रीजन क्या लगता है वो सक्सेसफुल क्यों हुई. दो रीजन लगते हैं मेरे को. एक तो आई थिंक ये बुक मैंने बहुत ही गलत टाइम पे पब्लिश करी थी. इट वॉज आई थिंक कम्प्लीट फेट, ऊपर वाले की कृपा है, आई बिलीव इन गॉड अलॉट. वो डेट ही था मेरा कि वो बुक हिट हो गई. मैंने इफ यू सी द डेट ऑन अमेजोन की कब रिलीज हुई थी, एग्जैक्टली वन डे बिफोर लॉकडाउन, जो 3 महीने का लॉकडाउन लगा था ना, जिसमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑनलाइन सेल्स सब बंद. मैंने आज किताब लॉन्च करी, मेरे पास सिर्फ एक कॉपी पड़ी थी, दैट इज द प्रूफ कॉपी, जो ऑथर के पास आता है कि आप चेक कर लो पेजेस वेजेस सही है, कुछ दिक्कत तो नहीं. ठीक है, मैंने अगले दिन उनको मेल करा, उनका मेल आया कि अगले 3 महीने तक कुछ नहीं हो सकता. मैंने मेरी बुक अमेजोन पे पड़ी है, ना मैं खरीद सकता हूँ, ना कोई और खरीद सकता है, ना फैमिली खरीद सकती है, कोई कुछ नहीं कर सकता. ई बुक में टाइम लग रहा है, ई बुक कोई पढ़ना नहीं चाहता, मार्केट करो तो क्या करो. तो ऑलमोस्ट 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ. व्हाट इज यू की एक कॉपी भी नहीं मिली. तो फिर उसके बाद हुआ क्या, लॉकडाउन किया जो कि एकदम पंप होके बाहर आए, कोई सीधे बेस्ट सेलर्स में आ गई. नहीं, उसके बाद भी ऐसा हुआ कि मैंने प्रमोशंस भी इसमें कुछ नहीं करा. मैंने ये करा था कि इंस्टा स्टोरीज लगवाता था लोगों से, मैं खुद लोगों से शेयर करा, मैंने 200-250 लोगों से शेयर करा मैंने, उन्होंने शायद पढ़ी खरीदी, बहुत सारे ने जो भी करा. पिछले साल अगस्त जुलाई के आसपास आई थिंक अचानक से बूम आया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी ए बेस्ट सेलर. मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था. मैं यूजुअली चेक नहीं करता था. आई हैड कंसिडर्ड कि हाँ भाई मैं एक फेल्ड ऑथर हूँ, मैं नहीं लिख सकता, मेरी चीजें लोगों को पसंद नहीं आने वाली. एक दिन ऐसे ही डिप्रेशन में बैठे बैठे मैं चेक कर रहा था अमेज़न पे, और चेकिंग द लिस्टिंग कितने नंबर पे है. कभी कभी करता था मैं, आई थिंक उस दिन के पहले 6 महीने पहले देखा होगा मैंने, जब 1 लाख के आसपास रैंक हुआ. Okay. मैंने उस मतलब एक दिन की बात है, ऐसे मैं डिप्रेस्ड होके थोड़ा सा बैठा हुआ था एंड मैं ऑथर अमेज़न पे वो जो लिस्टिंग होती है, नंबर रैंकिंग होती है किताब, वो चेक कर रहा था. उस दिन के पहले शायद 6 महीने पहले चेक करा होगा मैंने, और 6 महीने पहले इट वॉज अराउंड 1 लाख कुछ था द रैंक ऑफ द बुक, विच इज ऑलमोस्ट सबसे नीचे, नीचे से टॉप. फिर उस दिन मैंने चेक करा और आई सॉ कि इट इज 112 इन रोमांस कैटेगरी, ऑलमोस्ट टॉप 100. ऐसे दिमाग मेरा फूट गया, मेरा दिमाग फूट गया. मैं सोचो कुछ तो ग्लिच है. इसे स्क्रीनशॉट लिया और फिर मैंने फोन साइड पे रख दिया. मैं वेट कर रहा हूँ, आधा घंटा वेट किया, 1 घंटा वेट किया, 2 घंटा वेट किया. फिर मैंने चेक करा लंच में, डिनर विनर करने के बाद दोबारा से चेक करा. मैं देख रहा हूँ 98 पे आ गया. 2-3 घंटे में इतने ऊपर आ गया, मेरी और हालत खराब हुई कि भाई कुछ तो हो रहा है. साथ में जो मेरे दोस्त वगैरह रहते हैं उनको मैंने बताया कि यार ये चीजें हो रही हैं, तो उन्होंने बोला कि सच में हो रही है. मतलब दे डिडंट बिलीव इट. पहले उन्होंने बोला कि मेरे फोन पे दिखाओ, अगर ग्लिच है तो पता चल जाएगा. उनके फोन पे चेक करा, लैपटॉप पे चेक करा, एवरीवेयर इट 98 98 98. बोला भाई अब मैं स्टोरी डालूंगा. फिर मैंने पोस्ट किया इंस्टाग्राम वगैरह पे, सोशल मीडिया वगैरह पे पूरा पोस्ट करा. मैंने सोचा दिस इज द अल्टीमेट थिंग दैट आई कुड अचीव. इससे ज्यादा औकात नहीं है इस किताब की. पूरा हर जगह पे कर दिया, टॉप 100 सबको बता दिया. दो दिन के बाद टॉप 50 में आ गई. मैंने ऑफिस में इन लोगों ने मेरे को वो भी कर दिया, सम्मानित भी कर दिया, चीजें हो गई. ठीक है, फिर 2 दिन बाद वो टॉप 50 में आ गई, नंबर 46. अब बोलो भाई ये तो बताना बनता है. लोगों को बताना शुरू किया. लोगों ने बोला कि आप ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारे प्लान सब बन गए. चलो अगले दिन लालच बुरी बला है. अगले दिन फिर चेक करा मैंने, अगले दिन टॉप 10 में पहुंच गई. टॉप 10 इस बार भरोसा था भाई इससे आगे जाएगा. जिस पेज पे वो चल रहा था, तो इस बार मैंने किसी को नहीं बताया.
मैंने किसी को नहीं बताया कि भाई टॉप 10 में आ गए। मैंने शाम तक का वेट किया, सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहले क्या करता था उस टाइम पे, अमेज़न खोलता था, रैंकिंग चेक करता था, उसके स्क्रीनशॉट लेता था, और फिर उसका फोन रख के अपना जो भी काम होता था वो करता था। सुबह देखा ऑफिस आया मस्त, पूरे ऑफिस में मैं ब्लश किया जा रहा हूँ, ब्लश किया जा रहा हूँ, हर किसी को लग रहा है कि मेरी सगाई हो गई, मेरा एंगेजमेंट होने वाली है, मेरी बंदी बन गई, क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, मुझे पता है, लोगों को बताऊंगा मैं जब नंबर 1 पे आएगी। शाम को चेक करा मैंने, नंबर 2 पे आ गया, ये मेरे से रोका नहीं गया। एट दैट सेकंड हाफ, मतलब सेकंड इन रोमांस फॉर मी, इट वाज द बिगेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। इतना ज्यादा मैंने बहुत रोया उस, बहुत ज्यादा। मैं दिन की छुट्टी भी ले ली ऑफिस से, 2 दिन की छुट्टी ले ली, क्योंकि भाई मुझे थोड़ा सा पर्सनल स्पेस चाहिए। मैंने छुट्टी दे दी, मैं 2 दिन छुट्टी पे बैठा। अगले दिन दोपहर की बात है, ऐसे मैंने कुछ ऑर्डर किया था, नीचे गार्ड आने नहीं दे रहा था उसको, डिलीवरी बॉय को खाना लेके, ठीक है, लिफ्ट से बाहर निकला और खाना लिया, उसको पे करा, और वापस आते हुए ऐसे हुआ था नहीं, कोइंसिडेंटली बस चेक ही कर रहे भाई, करने को क्या है, यू इधर ओपन इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल, तो मेरी ये कर रहा था, मैं मेल्स खोल लेता हूँ और अमेज़न खोल लेता हूँ चेक करने के लिए और मेल्स चेक करने के लिए। तो मैंने वही किया, इंस्टाग्राम बंद किया, अमेज़न खोला, तो चेक करा, बस नाम लिखा, उसमें लिखा हुआ जैसे अमेज़न पे टैग आता है ना नंबर, बस वो टैग दिख गया। Nostalgic. I won't say, see, मैंने जैसे बताया कि nostalgic was the first ever thing in long format writing जो मैंने लिखा था। Nostalgic को publish मैं कभी करने वाला नहीं था। After the failure of All I Ever Want Is You, I was kind of depressed थोड़ा सा कि करियर में कहाँ क्या करना है, एक जॉब कर रहा था मैं जो अभी भी कर रहा हूँ, very happy with that right moment। उस टाइम पे थोड़ा सा वो depression वाला phase चल रहा था, तो मैंने सोचा कि अगर मैं नॉस्टैल्जिक रिलीज करता हूँ और अगर वो थोड़ा सा भी ज्यादा अच्छा करती है ऑल आई एवर वांटेड इज यू से, तो शायद वो मोटिवेशन आ जाएगा कि मैं अपने राइटर्स ब्लॉक को किल करके आगे बढ़ सकूं, लिख सकूं। बट नॉस्टैल्जिक ने अच्छा नहीं किया और ऑल आई एवर वांटेड इज यू चल गई। नॉस्टैल्जिक पे मुझे अगर ऑनेस्टली बताओ तो मुझे उतना भरोसा भी नहीं था, क्योंकि नॉस्टैल्जिक की राइटिंग अगर देखो, उसमें एक ऑथर्स नोट लिखा है, जैसे कि मैंने लिखा था वैसे मुझे एक आई थिंक 11th क्लास की लड़की थी जिसने स्नैपचैट पे मेरे को मैसेज करा, हेलो सर आई वांट टू सी यू, आई हैव रेड योर बुक, ऑल आई एवर वांट इज यू एंड दिस 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 दिस। मैंने उसको बोला कि यू कैन सी मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरी कई सारी फोटोज इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। तो उसके बाद सी सेंडिंग अ फोटो टू समवन इज वेरी ऑकवर्ड, मतलब कैसे भेज सकता है कोई यार कि हाँ मैं ये लो मैं फोटो खींच के तुम्हें भेज देता हूँ, वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। मैंने उसको बोला कि इंस्टाग्राम पे देख यार, वो बोलती है नो आई एम नॉट ऑन इंस्टाग्राम, आई जस्ट यूज स्नैपचैट। नाउ आई हैव अ प्रॉब्लम विद सेइंग नो, मैं नो नहीं बोल सकता। उसको एक काम किया, मैंने गूगल पे मेरी फोटोज जो पड़ी थी उनका लिंक कॉपी उसको पेस्ट कर दिया, फोटोज भेज नहीं सकता लेकिन। और उस लड़की ने मेरे को रिस्पॉन्ड किया, यू आर नॉट एज स्मार्ट एज यू हैव डिस्क्राइब्ड योरसेल्फ इन द बुक। मैंने बोला भाई साहब
मैंने कब डिस्क्राइब किया खुद को? लड़की की खूबसूरती दिखाने में व्यस्त था, खुद के बारे में तो बताया ही नहीं। भाई जिसने एक बार बताया कि मैं डायरेक्टर वगैरह भी कर रहा हूँ, बस ये बताया था कि लड़की जो पूरी तरह नहीं है। मैंने बताया नहीं कि भाई मेरी हाइट 6 फीट है, मैं 80 किलो का हूँ, मैंने कुछ नहीं लिखा अपने बारे में, मैंने कुछ बताया ही नहीं अपने बारे में, कहीं नहीं लिखा कि भाई मैं 6 फीट का हूँ, मेरी जॉन अब्राहम जैसी बॉडी है, ये है वो, कहीं कुछ नहीं लिखा। हाँ, उसको शाहरुख खान से कंपेयर करा, ओनली बिकॉज आई डू दिस और इंस्टाग्राम पे चेक करा तो आई डू इट क्वाइट वेल। कमिंग बैक टू दैट वो थिंग कि रिलेटेबल चीजें कैसे लिखते हैं, आई लुक एट माय सेल्फ, और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो आई एम एनी द बॉय नेक्स्ट डोर, जो होता है कि ऑलमोस्ट एवरी गाय, जो हर लॉर्ड लॉन्डे के साथ प्रॉब्लम होती है वो मेरे साथ भी होती है। जो लोगों का लग्जरी होता है वो मेरे लिए भी लग्जरी है, जो लोगों के लिए गरीबी होती है वो मेरे लिए भी गरीबी है, लोग कौन से इमोशन फील करते हैं वो मैं भी फील करता हूँ, तो मैं जो भी फील करता हूँ वो सारा डाल देता हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट कि हाँ भाई मेरे जैसे जितने भी होंगे ना सब फील कर पाएंगे, मेरी मम्मी का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने तब नहीं बोला था, तब शी वाज वेरी सपोर्टिव। मेरी मम्मी का एक स्टेटमेंट मुझे याद है कि पैकिंग कर रहे थे हम लोग नोएडा आने के लिए, उसके पहले मैं पटना का हूँ, पटना से आई वाज कमिंग टू नोएडा, तो उस टाइम पे पैकिंग कर रहे थे, तो मम्मी ना ऐसे अलमीरा से मेरे कपड़े निकाल के दे रही थी, मैं बैग में डाल रहा था, उस टाइम में मम्मी कहती है यार तू राइटर बनने जा रहा है, इसका मतलब तू अब धोती कुर्ता पहनेगा, पजामा पहनेगा व्हाइट वाला, और तेरे पास में काली होगा झोला भी होगा, और तू लेदर वाली चप्पल पहनेगा। मैंने फिर उनको दुर्जय दत्ता की फोटो निकाल के दिखाई, मम्मी ये राइटर है, ये ऑथर है, ये देखो रविंद्र सिंह ये ऑथर है, ये देखो अभी भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जब भी व्हेन आई नीड एनीथिंग स्पेशली मोटिवेशन। तो आपने भी बताया कि स्कूल में आपने बहुत सारे लाइजेंस किए थे, उसका कुछ हो रहा है अभी बता सकते हो? उसका कुछ मेरे को याद है 10th क्लास में मैंने लिखा था, 10th क्लास में समर वेकेशंस के टाइम में एक ड्रामा लिखने के लिए दिया गया था। हाँ। तो मेरा पूरा बचपन शिलोंग में बीता, ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है, तो वहां पे समर वेकेशंस में मैं था, एंड मैंने लिखना शुरू किया, दैट टाइम आई लैपटॉप पे नहीं लिखता था, फोन पे नहीं होता था, लिखने से आई रोट इट ऑन पेपर, एंड दैट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल थिंग दैट आई रोट, जो कि बाद में उन्होंने, उनको इतना पसंद आया था कि उन्होंने नेशनल सॉरी एनुअल डे पे भी परफॉर्म कराया था। ओके, दैट टाइम वो जैसे क्या होता है ना, क्या कहते हैं उसको, पूरा क्लियर पिक्चर याद नहीं है, बट इट वाज समथिंग अराउंड द रिलेशनशिप ऑफ अ फादर एंड अ डॉटर एंड द जर्नी किस तरीके से होता है ना, अब दैट इंस्पायर्ड बाय 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, कहीं ना कहीं कह सकते हो कि रेप्लिका था बट एन इंडियन वर्जन ऑफ इट। मैं शेक्सपियर का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था उस टाइम पे। हाँ, स्कूल के टीचर्स ने काफी ज्यादा सपोर्ट करा। अभी जो राइटिंग एबिलिटी है, कहीं ना कहीं इट इज बिकॉज ऑफ द प्राइमरी स्कूल टीचर दैट आई हैड। आई होप और कुछ टाइम पहले तक भी उनके से मिलता था, तो शी इज वेरी काइंड। जब मैं उनके सामने मैसेज आता था ना, होते मैनरलेस अगर होता था मैं, या फिर कभी ऐसी बात हुआ कि शिलोंग में ऐसा होता है कि हिंदी इज अ सेकेंडरी लैंग्वेज, बिहारी, मैं हिंदी ज्यादा बोलता था वहां पे, बीइंग अ किड इंग्लिश मेरे लिए सेकेंडरी था, शी यूज्ड टू हिट मी एंड टेल मी दैट यू विल नेवर स्पीक हिंदी इन माय स्कूल, एंड थैंक्स टू हर आई कैन राइट। हां, हमारे स्कूल में होता था, मतलब वहां से इंग्लिश ही बोल देंगे, कंपल कर लिया पाइन से रहे तो। हां, हिंदी बोल रहे,
किसी भी वर्ड के आगे आई एन जी लगा देते थे वो इंग्लिश में ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल निखिल आर यू खेलिंग प्रॉम्प्टली नहीं निकल पाता बहुत सारे लोग क्या वट इज द राइट वर्ड फॉर खेल इन इंग्लिश सो दे लाइक आर यू खेलिंग. ओके सो आपका जो इस टाइम जो भी राइटर है जो भी लिख रहे हैं साथ साथ तो उनको क्या बोलना चाहिए जो आपके फर्स्ट स्टेप कुछ टाइप ऑफ क्या बोलना चाहिए कि उसको फॉलो करें डेली राइटिंग पे पता है यार मतलब बेस्ट सेलर क्या है टॉप वन सीधे. देयर इज नो रेसिपी ऑफ बीइंग अ बेस्ट सेलर आई वुड से. डेली राइटिंग से तो मैं खुद भी मैंने कुछ टाइम पहले तक राइटिंग इज समथिंग दैट सी बहुत सारे ऐसे राइटर्स होते हैं ना राइट जो कि ऐसा सोचते हैं कि भाई मूड बनेगा उसके बाद लिखूंगा मैं उस टाइप का सेटअप करूंगा उसके बाद लिखूंगा. एवरीथिंग इज इन द माइंड हर चीज इट इज इन द माइंड. सम पीपल हैव टू पैक्स एंड देन दे स्टार्ट राइटिंग. कोई बियर पी के लिखता है कोई फूंक के लिखता है. बट व्हाट आई बिलीव इज दैट इट इज इन योर माइंड. अगर तुम्हारे दिमाग में तुमने बना लिया है कि हाँ ये यहाँ से कहानी शुरू होगी और यहाँ पे खत्म होगी और इसके बीच की चीजें मुझे आज लिख देना है यू विल डू इट. हाँ वो थोड़ा सा मोटिवेट खुद को करो. देर इज नथिंग कॉल्ड सेटअप देर इज नथिंग कॉल्ड मूड देर इज नथिंग कॉल्ड एनीथिंग एल्स इट इज जस्ट स्टोरी. यू बिल्ड स्टोरी में कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए स्टोरी सबसे पहले तो स्टोरी बनो. उसके बाद में कैरेक्टर्स ऐड करना शुरू करो जैसे कि स्वाद अनुसार. होता है ना कि इट इज लाइक अ करी चिकन डाला ठीक है मसाला डाला मसाला फिर अपने हिसाब से डालते वो तुम पे डिपेंड करता है कि हाउ कॉम्प्लेक्स डू यू वांट टू मेक द स्टोरी. ऑल आई एवर वांट इज यूज में फैमिली से रिलेटेड कई सारे कैरेक्टर्स जहां पे भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी बोरिंग जा रही है यू इंट्रोड्यूस अ न्यू कैरेक्टर या फिर यू ब्रिंग अनदर कैरेक्टर जो पिछले से था एंड यू ऐड इट. कभी कभी जैसे इट इज एग्जैक्टली लाइक कुकिंग अ चिकन मसाला पानी डालो पकाओ जस्ट बी विद इट टिल द Thank you so much.